बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुणाल। वेलकम गाइज हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। तो गाइज आज की वीडियो है HKD मुफ्ती तारिक मसूद चैनल से और वीडियो का टॉपिक है सब मुफ्तियों को जेल में डाल के कोड़े लगवाऊंगा। बाय मुफ्ती तारिक मसूद साहब। तो पता नहीं किसने बोला है और क्या कि सब मुफ्तियों को जेल में डाल के कोड़े लगवाऊंगा, या हो सकता है मुफ्ती साहब कुछ मजाक कर रहे हैं। मे भी हो सकता है मजाक में बोल रहा हूँ, या मे भी किसी ने बोला हो, पता नहीं। तो HKD मुफ्ती तारिक मसूद चैनल से आप चाहो तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुफ्ती साहब का अपना खुद का चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस करके है, आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाक अल्लाह। आखिरी बात करके मैं बात को खत्म करता हूँ क्योंकि आज वक्त कम है, वो उलमा बैठे हुए हैं, ये सब हजरात मसरूफ हैं। अब एक बात याद रखो कि सही इल्म, चाहे वो लड़कियों को पढ़ाया जा रहा हो या लड़कों का, वो सिर्फ दीनी मदारिस ही में है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे इदारों में इल्म नहीं है, इल्म है, मगर उसमें छांटी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सही क्या है और वो मलगूबा बना के पेश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दीनी मदारिस के अलावा जितने दीन के रास्ते हैं सब बंद कर दो, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन आप किसी और रास्ते से दीन का इल्म हासिल करोगे या उलमा के बगैर अगर दीन का इल्म हासिल करोगे, उलमा की रहनुमाई के बगैर, तो आपके पास इल्म तो आएगा लेकिन सही के साथ बहुत सी गलत चीजें भी आ जाएंगी और आप में इतनी सलाहियत नहीं होगी कि आप छांटी करें कि इनमें सही क्या है और गलत। और अगर छांटी करने में उम्र लगा दी तो उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें जाया हो जाएगा। हमारे मदारिस के पास जो उलूम है वो सदियों से चले आ रहे हैं। अगर ये गलत उलूम होते तो हजार साल से ज्यादा ऊपर ये सिलसिला अल्लाह चलने ना देते। पूरी दुनिया में आप जाके देखें, पूरी दुनिया में मदारिस का किरदार है और हजारों साल से इसी से बड़े बड़े अल्लामे पैदा हुए हैं, बड़े बड़े मुसन्निफीन पैदा हुए हैं, बड़े बड़े खतीब पैदा हुए, बड़े बड़े मशायख और बुजुर्ग पैदा हुए हैं। आज बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं लेकिन उनका, अभी मुझे किसी खातून का फोन आया कि मैं फलां इदारे से आलिमा बनी हूं। मैंने कहा इदारे का नाम बताया, उन्होंने एक छोटा सा कोई इदारा था उसका नाम बताया। मैंने कहा वहां किताबें कौन सी पढ़ाई गई हैं जो आप आलिमा बनी हैं? और एक फलां बुजुर्ग के मवाइज पढ़े हैं और थोड़ी सी कोई अरबी में वो जो है ना कोई हल्की फुल्की सी कोई हादा फलानून वहादा डिमकानून, ये फला है और ये फला नहीं, अभी डिमकाना है, ये थोड़ी सी अना फलान व अंता फलान, ये अरबी तकरीबन इसी से, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा कर ले, ये अरबी है। मैंने कहा फिका की कौन सी किताबें पढ़ी? कह नहीं फिका तो नहीं पढ़ा, उन्होंने तो फिका वो एक मलगूबा सा बनाया हुआ फिका का, कुछ वहां से लिया कुछ उधर से लिया कुछ उधर से लिया, ले भाई शॉपर में डाल गए चलो भाई। तो मैंने कहा जब इल्म रसूख कैसे पैदा होगा? उन्होंने कहा बस यही है। मैंने उनसे कहा कि देखो, उस खातून से कहा कि अगर आपने बाकायदा आलिमा बनना है तो बाकायदा किसी दीनी मदरसे में दाखला लें जो सदियों से चले आ रहे हैं, एक सिलेबस है जो सदियों से पढ़ाया जा रहा है, उस हर चीज का। देखो एक डॉक्टर बनना चाहता है, अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा ना, जो सदियों से उनकी एक तारीख है, मेडिकल कॉलेज में जो उलूम है वो सदियों से चले आ रहे हैं, उन पर रिसर्च होती रही है और बहुत एक उनको कंघाला गया है, लोगों पे एक तजर्बा भी हो चुका है उनका। आपने कहा मैं इनको नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, मेरी अपनी रिसर्च है, और अपना एक मतलब खोल के बैठ गए आप। या तो किसी हकीम से पढ़ोगे जिनका सदियों से हिकमत का भी सिलसिला चला आ रहा है, या किसी डॉक्टर से पढ़ो। आपने कहा मैं ना डॉक्टर को मानता हूं और ना मैं हकीमों को। मैं वो फला इलाके में एक साहब अभी नए नए दरियाफ्त हुए हैं, उन्होंने सब डॉक्टरों को भी गलत करार दे दिया है और सारे हकीमों को भी। उन्होंने कहा मैं जो लोगों की सेहत के लिए ना, मेरे पास कुछ अनमोल नुस्खे हैं, मैं उन नुस्खों से इलाज करता हूं, ये सब अपनी दुकानें चमका रहे हैं, ये जितने डॉक्टर जितने हकीम लोग हैं और होम्योपैथी के, ये सब क्या चला रहे हैं? अपनी दुकानें। लिहाजा मैं अपना एक इदारा खोल रहा हूं अलग से। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ वो होगा जो उस इदारे में पढ़ने के लिए जाएगा। अगर तू पता नहीं कोई नया मार्केट में आया है, नई फिल्म तो देखी जाती है, समझ में आ रही है, कोई नई फिल्म आती है ना लोग उसको देखते हैं शौक से,
लेकिन मेरे भाई इस किस्म की फिल्में देखने की नहीं होती। बोलो मेडिकल साइंस तो बहुत पुराना इल्म है, इस तरह हिकमत का इल्म जो है जड़ी बूटियों से इलाज करने तो बहुत पुराना इल्म है। होम्योपैथी को दरियाफ्त हुए भी बहुत अरसा हो गया, आप कौन सी चीज लेकर आए हो भाई? तो जैसे जो उसके पास जाएगा, चाहे वो कितने ही खुशनुमा दावे कर रहा हो, आप उसके दावों को कबूल नहीं करोगे, जबकि उसमें फिर भी कुछ हद तक सही होने का इम्कान है। मुमकिन है कि नया इल्म मुतारिफ करवा रहा हो, लेकिन इल्म दीन का सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदियों से चला आ रहा है और एक सेकंड के लिए भी ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। क्यों? इस पर सही हदीस मौजूद है, ला यजतमी उम्मती अला ज़लालतिन। क्या मतलब? एक सेकंड के लिए भी उम्मत जो है ना गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। इस 1400 साल के अरसे में एक सेकंड भी उम्मत पर ऐसा नहीं आया जिसमें किसी जमाने में सब लोग गुमराह हो जाएं। तो एक बड़ी तादाद उम्मत की हक पर है और वो सदियों से चली आ रही है, तो वो यही उलूम पढ़ती आ रही है जो मदारिस में पढ़ाए जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ये जो नए नए इदारे खुले हैं इनसे खवातीन पढ़ के निकलती हैं। किसी ने कजाए उम्री का इंकार कर दिया कि कजाए उम्री कुछ भी नहीं होती। चारों आइम्मा और चारों फिका कजाए उम्री के कायल हैं, जो हमारे सदियों से स्कॉलर है ना, बड़े बड़े इल्म के पहाड़ जिनको उम्मत फॉलो करती आई है, वो चारों इस बात के कायल हैं, चारों फिका के कजाए उम्री लाजिम है। लेकिन आप देख लें कजाए उम्री का क्या कर दिया, इंकार। वो चारों फुकहा इस बात के कायल है, चारों फुकहा, कि खवातीन सिमट के नमाज पढ़ेंगी, मर्दों की तरह पहल के नमाज नहीं पढ़ेंगी। तो जदीद तहकीक क्या आई है, ये जो हदीस है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, क्या ये इन अइम्मा हजरात को मालूम नहीं थी? क्या ये बड़े बड़े अल्लामे इब्ने हजर, अल्लामा नववी और ये बड़े बड़े फुकहा इब्ने रुश्द, ये बड़े बड़े अल्लामे जो इस उम्मत में गुजरे हैं जिनको पूरी उम्मत ने फॉलो किया है, क्या इन लोगों को मालूम नहीं थी? हो क्या रहा है अहदीस की ऐसी तशरी, तलाके सलास का मसला भी ऐसे, चारों अइमा के नजदीक तीन तलाके कितनी होती हैं, तीन होती हैं, मगर आप जो जदीद स्कॉलर आ रहे हैं बड़े आराम से इंकार कर दिए कि असल। अभी हमारे एक दोस्त ने बताया, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं कराची यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने मुझे कहा, वो इस्लामियात पढ़ाते हैं, उन्होंने, मैं किसी प्रोफेसर का मुनकिर नहीं हूं भाई, बहुत से अच्छे प्रोफेसर भी हैं, ये एक का मतलब ये नहीं तो कि सारे इस्लामियात के प्रोफेसर माजल्ला गलत हैं, लेकिन जब इल्म में पुख्तगी नहीं होती तो फिर ये होता है। वो मुझे वो कहने लगे कि वो शागिर्द मेरा था यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो कहने लगा कि हमारे प्रोफेसर कह रहे हैं कि जो मुफ्ती तीन तलाक के एक होने का फतवा देता है ना, मेरी हुकूमत आई तो इन सबको मैं जेल में डाल दूंगा। मैंने कहा इनको सबसे पहले हजरत उमर को जेल में डालना पड़ेगा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को जेल में डालना पड़ेगा, हजरत उस्मान इब्ने अफान को, हजरत अली को, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को, और जाबिर बिन अब्दुल्ला को, मुआज इब्ने जबल को, जो बड़े बड़े अल्लामे सहाबा गुजरे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास को, सही है ना, ये जितने बड़े बड़े इमरान इब्ने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को, ये सारे सहाबा जो उस वक्त के जितने बड़े बड़े, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को, जितने बड़े बड़े उलमा सहाबा ताबीन उस दौर में गुजरे हैं, और फिर इमाम अबू हनीफा को भी जेल, इमाम शाफी को भी, इमाम अहमद रंबल को भी, इमाम मालिक को भी, दो चार आदमी उम्मत में बच जाएंगे जेल जाने से, एक अल्लामा इब्ने तैमिया, एक इब्ने कय्यम और सऊदीया के बिन बाज, ये तीन चार बड़े बड़े हजरात बच जाएंगे, बाकी सारी उम्मत कहां होगी, जेल में होगी। इतनी सेंस नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी के तलबा में इतना बड़ा दावा कर रहे हो, और ये दावा इसी बेस पर है कि आपको अपने बरहक होने का इतना यकीन है कि आप बड़े बड़े अल्लामों को क्या करार दे रहे हो, माज अल्लाह जाहिल और गुमराह। इतना घुमंड है अपनी जहालत पर, है वो जहालत, क्योंकि आलिम को इतना घुमंड नहीं होता। तो वो कहने लगे, वो तो बड़े, उन्होंने दावा किया कि जितने मदारिस हैं जो ये फतवा देते हैं, मैं तो, मेरी हुकूमत आए, मैंने कहा इसलिए आ नहीं रही इनकी हुकूमत, मेरी हुकूमत आए तो सबको मैं कोड़े लगवाऊंगा सबको, इतना बड़ा दावा किया। तो वो तालिब ने मुझे कहा कि आप अगर चलें यूनिवर्सिटी में, आपकी बात करा दूं। मैंने कहा मैं बात करूंगा, लेकिन जिन तलबा के सामने उन्होंने ये दावा किया है ना और उलमा का मजाक उड़ाया है, वो तमाम तलबा मौजूद होंगे, फिर मैं तीन तलाक के मसले पर उनसे बात करके उनका तकबर इंशाल्लाह खाक में मिलाऊंगा। क्या आप जो अपने आप को उलमा से मुस्तगनी समझते हो, आप इसमें हो जीरो, और बनने की कोशिश क्या कर रहे हो, जीरो, कुछ भी नहीं आता आपको,
कुछ चंद साल उलमा की जूतियां सीधी करें ताकि आपका तकब्बुर टूटे, फिर अल्लाह इल्म के दरवाजे आप पर खोलेगा। इल्म सिर्फ मेहनत से नहीं आता, इल्म तवाज़ो है, अपने से सीनियर का एहतराम है जो पहले उलमा गुजर चुके हैं। हाँ ये बात दुरुस्त है कि जहां उलमा में सही भी होते हैं गलत भी होते हैं, तो छांटी करो ना, सभी को लपेड़ देते हैं, सबको लपेड़ देते। जैसे डॉक्टरों में गलत होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि सही डॉक्टर खत्म हो गए हैं। इंजीनियर में अगर कोई करप्ट है तो सही लोग भी हैं। तो इसी तरह मेरे भाई मौलवियों में अगर फिरका परस्त हैं, दो नंबर हैं, तो सही भी मिलेंगे आपको। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो कोई सिलेबस ही नहीं है, कोई उसूल ही नहीं है। उसूल फिका पढ़ाया जाता है मदारिस में। उसूल फिका का फायदा क्या होता है आपको पता चलता है कि फुकहाए किराम ने जो कुरान और सुन्नत से मसाइल इस्तिंबात किए निकाले उनके उसूल और जाब्ते क्या थे। अब एक आदमी मुझे कहने लगा ये हदीस बुखारी में है, तो मैंने कहा मैं जो हदीस पेश कर रहा हूं वो मुस्लिम में है। तो उन्होंने कहा बुखारी की अहमियत मुस्लिम से ज्यादा है। तो मैंने कहा ये किस फकीह का उसूल है कि जो हदीस बुखारी में आएगी वो मसला तो सही होगा, जो मुस्लिम में आएगी वो मसला सही नहीं होगा। ये कौन सा उसूल है भाई। जो भी सही हदीस होगी, चाहे वो तिर्मिजी में हो, चाहे वो निसाई में हो, चाहे वो अबू दाऊद में हो, वो हुज्जत है। मैंने कहा इमाम हनीफा का ये उसूल ही नहीं है कि जो बुखारी की हदीस है उसको, अगरचे बुखारी इमाम अबू हनीफा के बाद पैदा हुई है, लेकिन उनका ये उसूल ही नहीं है कि जो इस मायार पे उतरेगी वो सबसे पहले उस हदीस को लेते हैं जो कुरान के अपोजिट ना हो। उनका ये उसूल है, ये उसूल है। कहते हैं कुरान मुतवातिर है, उसके अल्फाज में एक जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं हुई है, लिहाजा अगर कुरान के खिलाफ कोई हदीस जा रही होगी, चाहे वो बुखारी ही की होगी, उस हदीस में तावील की जाएगी। और आप कर रहे हैं बुखारी की हदीस लेके कुरान की आयत में तावील कर रहे हैं। मुझे कहने लगे कि आप बुखारी की हदीस ले रहे हो और जनाब बुखारी की हदीस को रद्द कर रहे हो, बुखारी तो सबसे सही तरीन किताब है। मैंने कहा आप अल्लाह की आयत को रद्द कर रहे हो। हैं भाई, कह रहे मैं रद्द नहीं कर रहा, मैं उसका ये मतलब बयान कर रहा हूं। तो हमने कहा हम भी बुखारी को रद्द नहीं कर रहे, उसका ये मतलब बयान कर रहे, कुरान को जाहिर पर रखकर बुखारी की हदीस में तावील कर रहे हैं। आप बुखारी को लेकर कुरान में तावील कर रहे हैं। अगरचे बाज़ उलमा का ये भी मजहब है, अहले जाहिर जो थे इमाम शाफी का यही मजहब है, वो सही हदीस को लेते हैं कुरान की आयत में तावील करते हैं, लेकिन इमाम हनीफा का उसूल इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन ये जो नया तबका पैदा हो रहा है इनके अंदर खामी क्या है कि अपने आप को सबसे फंटर समझना, क्योंकि इन्होंने ना उसूल फिका पढ़ा है ना इनको फुकाहा के मसाइल इस्तेमाल करने का फन मालूम है। फिर ये भी इनसे नहीं, इनको नहीं पता कि दलील किससे मांगी जाती है। तो आज की ना थोड़ी वीडियो जो थी जरूरी एक तरह से कह लो टेक्निकल ज़्यादा थी, मतलब कि ऐसा हुआ कि आजकल ना बताओ क्या होता है, आजकल मतलब जो दुनिया जो जा रही है ना प्राइवेट की तरफ जा रही है वैसा ही हो रहा है। अब एक तरह जो वो होता है ना मदरसे, अब वहाँ भी एक तरह से मुफ्ती साहब के कहने का मतलब कि एक मेरे कहने मतलब कंपटीशन टाइप कुछ ऐसा कुछ आ गया मदरसों में भी। हाँ ऐसा कुछ आ गया ताकि नए नए वो शुरू हो गए तरीके। हाँ नए नए वो शुरू हो गए, तो जो लोगों को तालीम दे रहे हैं या लोगों को एक तरह से मुफ्ती या मौलाना बनाने के लिए कर रहे हैं, बट जो मुफ्ती और मौलाना बनने के लिए जो पिछले हजारों सालों से मदरसे चले आ रहे हैं, वहाँ जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, जो इल्म दिया जाता है, वो चीज़ ना फॉलो करके उन्होंने अपना ही इल्म बना लिया कि जो जो अच्छी चीज़ें हैं सब यानी कहीं कहीं से कुछ कुछ चीज़ें लेके जोड़ के बना दिया अपना ही और वो ही पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी मुफ्ती साहब की को कोई फीमेल कोई एक मिल गई और उन्होंने कहा कि वो भी क्या थी उल्मा बन रही हैं, मे बी ऐसा कुछ मौलाना या मुफ्ती ही बन रही हैं। तो फिर मुफ्ती साहब उन्होंने कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जिनका वो जवाब दे ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने वो पढ़े ही नहीं है। तब मुफ्ती साहब ने ये कहा कि ये नए नए आजकल जो खुल रहे हैं ना लोगों को ऐसा करने के लिए, ये मानते ही नहीं है। हालांकि वो जो कह रहे कि जो चार बड़े फिरके हैं ऐसा कुछ कह रहे थे कि वो चारों एक चीज को मानते हैं और जो नए नए इंस्टीट्यूट खुल गए हैं वो नहीं मानते इनको। अच्छा।
अच्छा तो इंस्टीट्यूट से मतलब वही कि मदरसे टाइप ही है, बट वो पुराना सिलेबस नहीं फॉलो करते, अपना ही नया कुछ बना के ले आते सामने से। हाँ, जिस तरह से जैसे पुराने स्कूल्स में पढ़ाइयाँ होती थी, टर्मिनल वाइज एग्ज़ाम होते थे, और अब अलग हो गया है सिस्टम। अब यूनिट टेस्ट हुआ करते हैं, वो फिर बाद में जा कर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें उनके मार्क्स जुड़ जाते हैं। मतलब चेंज हो गया ना पिछले ज़माने का, अब नया ज़माना। हालांकि इसी तरह से मदरसे का भी हो गया। हालांकि देखो क्या है कि ये साइंस नहीं है इधर कि टाइम बीतते बीतते चीज़ें अच्छी होती रहेंगी। ये ऐसा नहीं है, ये इल्म की बात है। यहाँ ऑलरेडी कुरान जो है वो नाजिल हो गई ऑलरेडी है, और जो हदीस है वो सब हो गई, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस बनाया गया है और बंदा पढ़ रहा है। अब ये साइंस नहीं है कि नए नए आज डेली नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कुछ नया निकल के आ रहा है, वो तो नहीं है। तो इल्म है ये तो, और पिछले हजारों लाखों साल से चला आ रहा है। तो पता नहीं लोगों ने एक तरह से ऐसा कुछ नया ही बना लिया। और जो टॉपिक के था ना कि इनको मुफ्ती को कोड़े लगवा के जेलों में डाला जाए, ये था कि कराची में किसी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने कुछ मेन जो कोई चीज़ थी वो मानने से इनकार कर दिया था, शायद ट्रिपल तलाक के ऊपर, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तब मुफ्ती साहब ने कहा था कि वो काफ़ी लोगों के, उन्होंने ये कहा था जो वहाँ के प्रोफेसर थे कि अगर मेरा बस चले ना या मेरे हाथ में पावर आए तो मैं सारे मुफ्तियों को ना जो जो इस पर बिलीव करते हैं जेल में डलवा के कोड़े लगवाऊंगा। तब मुफ्ती साहब ने कहा कि किस किस को जेल में डलवाओगे, बहुत लंबी लिस्ट उन्होंने रख दी कि कुछ कुछ ही हैं जो बचेंगे जो इनके खिलाफ है, अदरवाइज सारे ही जेल में जाएंगे। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि उनसे बहस वो कर सकते हैं कभी ना कभी, तो बट वो जजेस या जो लोग हैं जिनको इल्म है वो सामने होने चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल वीडियो थी, मे बी हम उस वे में समझा नहीं पा रहे या पता नहीं, बट हमें समझ आ रही है चीज़ें, मतलब काफ़ी हद तक हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। बस एक्सप्लेन करना है ये वाली वीडियो में थोड़ा बिल्कुल अलग है। बिल्कुल तो चलते हैं गाइस, फिर HKD मुफ्ती तारिक मसूद चैनल से थी ये वीडियो। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।